सिंह की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया और पेरियापटना मैसूरु के एक चर्च से 40 लाख दान पेटी ले गए। घटना के समय पुजारी बाहर था। हालांकि बदमाश ने यीशु की मुख्य मूर्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया। हम सभी कोनों से जांच कर रहे हैं। कर्नाटक पुलिस। कर्नाटक। मैंगलोर में मुस्लिम समुदाय द्वारा जलील के लिए न्याय की मांग को लेकर कल भारी विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसे उसकी दुकान में चाकू मार दिया गया था। इस बीच कटीपल्ला से जलील हत्याकांड में गिरफ्तार एक और व्यक्ति 28 साल लक्ष्मी देवोरिगा अब हिरासत में है। कर्नाटक मामले में अब तक 4 गिरफ्तारियां हो चुकी है। कर्नाटक में भड़काऊ भाषण को लेकर प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों में दवाओं का संकट। मंत्री बोले बनेगा नया दवा खरीदी निगम। दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा परीक्षा में नकल महामारी की तरह समाज को कर सकती नष्ट। बैंक। बैंकों की धोखाधड़ी में 46% की आई गिरावट। अप्रैल सितंबर में 19,845 करोड़ रुपए की हुई धोखाधड़ी। कर्नाटक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 30 दिसंबर को अपने 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे कर्नाटक, करेंगे जनसभा। अमित शाह। लेह लद्दाख और कश्मीर की सुरक्षा को लेकर अलर्ट। अमित शाह ने आज बुलाई बैठक। आईबी रॉ चीफ भी होंगे शामिल। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उनके टी शर्ट पहनने के बारे में एक सवाल का जवाब दिया। राहुल गांधी को रिपोर्टर ने बोला आज भी टी शर्ट में। फिर राहुल गांधी ने जवाब दिया टी शर्ट ही चल रही है और जब तक चल रही है चलेगा। क्या लगा था? चल रही है। कांग्रेस स्थापना दिवस। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस आज 138वां स्थापना दिवस मना रही है। खड़गे बोले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से करोड़ों कार्यकर्ताओं को संजीवनी मिली। महाराष्ट्र। आज जेल से रिहा होंगे अनिल देशमुख। सीबीआई की अर्जी बॉम्बे हाई कोर्ट में खारिज। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 5 जनवरी को निकालेंगे समाज सुधार यात्रा। सावरकर का अपमान करना बंद करो। महाराष्ट्र में विपक्ष से देवेंद्र फडणवीस।